तो गाइस इस वक्त मैं ये गोलगप्पे ट्राई करने लगा हूँ। मेरा ख्याल है कि सबसे मज़ेदार गोलगप्पे इस वक्त मेरे मुँह में जाने लगे हैं। इंतजार भाई आप अखीर कर गए हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार गोलगप्पे हैं। आप भी ज़रूर आए और यहाँ पे ट्राई करें, आपको मज़ा आएगा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, वाह, A1 गोलगप्पे। डाइन गोलगप्पा इतना बड़ा है कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, खतरा लाजवाब है। आए जरूर ट्राई करें। थैंक यू। हेलो हाई, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल खान है और अभी अभी मैं ऑफिस से फ्री हुआ था, तो हल्की हल्की तीस बजे मैं चला आ रहा था, मुझे ये एक स्टॉल नज़र आया और वेदर आप चेक कर रहे हैं, वेदर के हिसाब से मुझे सबसे बेस्ट यही लगा कि क्यों ना आज गोलगप्पे ट्राई किए जाए। और जब मैं इधर खड़ा हुआ हूँ आके और मैंने जब इस दिन गोलगप्पों को बनते हुए देखा और उनकी प्रेजेंटेशन देखी, तो यकीन माने कि मैं हैरान रह गया कि इतनी सफाई से तैयार किए गए और प्रेजेंटेशन, मैं कहता हूँ कमाल प्रेजेंटेशन, और इतने लजीज और इतने ज़बरदस्त गोलगप्पे के फैसला में आपने इस तरह के गोलगप्पे नहीं खाए होंगे। तो मेरी जो पर्सनल रिकमेंडेशन है, आप ज़रूर आएँ सुसा रोड पर, ये फैसला वर्ग का सबसे जाना पहचाना रोड है सुसा रोड, और इसके नज़दीक है फैज़ान मदीना। फैज़ान मदीना के बिल्कुल पास आप किसी से भी आके सुंदर गोलगप्पों का, ये पीछे मेरे स्टॉल लगा हुआ है गोलगप्पों का, किसी से भी पूछेंगे। अभी क्योंकि वेदर इस तरह का हो रहा है, बारिश होने वाली है, तो इमरान भाई का नाम ये पैकिंग कर रहे हैं ताकि ये स्टॉल को कवर कर रहे हैं ताकि इसमें कोई मट्टी ना चली जाए, और क्योंकि लोगों ने खाने पीने की चीज़ है, आपको पता है कि अमूमी तौर पे लोग बाहर खाना पीना पसंद नहीं करते, क्योंकि सबसे बड़ा मसला यही सफाई सफाई का होता है कि पता नहीं अच्छा खाना मिलेगा, मियादी खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे गोलगप्पे ट्राई किए हैं, इतनी सफाई मैंने आज तक किसी गोलगप्पे की स्टॉल पर नहीं देखी, और हाइजेनिक खट्टा है इसका गोलगप्पों के साथ, जो आप खट्टा जो आप ड्रिंक पीते हैं वो हाइजेनिक है, और इन्होंने मेरे सामने तैयार किया है और इमली के साथ इमली डाली है खालिश, मतलब लोग आपको पता है दो नंबरी और मिलावट जरूर करते हैं। मैं हाईली रिकमेंड ये करूँगा कि आप ज़रूर आएँ एक दफ़ा, ये विज़िट करें, नियर फैज़ान मदीना है ये, फैसलाबाद का बड़ा जाना पहचाना रोड है सुसा रोड, नियर फैज़ान मदीना आप देखते हैं। मौसम इस वक्त गाइस काफ़ी ख़राब हो रहा है, आंधी चल रही है बड़ी ज़बरदस्त, तो इंशाल्लाह जब ये मौसम अच्छा हो जाएगा तो आप ज़रूर आएँ और एक दफ़ा ट्राई करें, मेरी बेस्ट रिकमेंडेशन मिलते हैं गाइस ब्रेक के बाद, हवा बड़ी तेज़ चल रही है। तो गाइस ये है प्रेजेंटेशन फुल गोलगप्पों की, मेरा नहीं ख्याल है कि फैसलाबाद के अंदर ऐसी कोई प्रेजेंटेशन के साथ गोलगप्पे सेल करता होगा, तो 9 किस्म की अलग अलग छोटी छोटी बास्केट्स बनाई गई हैं और ये 7 गोलगप्पे वैसे ही रख दिए गए हैं, इसको आपने खुद फिल करना है अपने मुताबिक, मतलब कुछ लोग चटनी ज़्यादा डाल के खाना चाहते हैं, ऊपर खट्टा डाल के ज़्यादा खाना चाहते हैं, तो ये देखें ये सबसे खूबसूरत प्रेजेंटेशन है इस वक्त गोलगप्पों की, और मुझे सबसे अच्छी चीज़ यही लगी इस गोलगप्पों में कि इनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, और सबसे मज़े की बात ये है कि आप इनसे ये चीज़ें दोबारा भी दे सकते हैं, मतलब कि आपकी अगर चटनी या चने या कोई और चीज़ ख़त्म हो जाती है तो आप इसको दोबारा भी अवेल कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ज़रूर आपको इधर आना चाहिए और ये गोलगप्पे खाने चाहिए, टेस्ट में लाजवाब हैं, बेहतरीन है, हाइजेनिक फूड है, मतलब कि हाइजेनिक गोलगप्पे हैं। फैसलाबाद में इस तरह के गोलगप्पे आपको इतनी सफाई के साथ कहीं नहीं मिलेंगे। तो इमरान भाई हैं यहाँ पे मेरे साथ, इनको मैं अरसा दराज से जानता हूँ, 10 से 12 साल से, और इतनी सफाई मैंने आज तक किसी गोलगप्पे वाले के पास नहीं देखी जितनी सफाई इनके हाथों में, और इवन के ये देखें ये मसाला तैयार कर रहे हैं, दोनों हाथों पे इन्होंने ग्लव्स मतलब के डाले हुए हैं। इंसान ये चाहता है कि जो भी बाहर से, आपको पता है कि लोग कहते हैं कि बाहर का खाना कभी भी साफ़ सुथरा नहीं होता, लेकिन इमरान भाई ये देखें कितनी सफाई से इन्होंने ग्लव्स पहने हुए हैं और ग्लव्स के साथ ये काम कर रहे हैं, और हाथ भी नहीं लगा रहे उसको टच कर रहे, बल्कि चमचों से ही इसको मिक्स कर रहे हैं ताकि सफाई का खास ख्याल रखा जाए। गाइस ये ज़रूरी नहीं है कि आपने इसको मतलब कि फिलिंग के बगैर फिलिंग के लेना है, फिलिंग के साथ भी आप इमरान भाई कह सकते हैं, तो ये फिलिंग के साथ भी आप लोगों के मतलब के डिलीवर कर सकते हैं। तो मतलब आप ये देखिए कितना सफाई का ख्याल खास ख्याल रखा जा रहा है, मुनासिब से इन्ग्रीडियंट्स यूज़ किए जा रहे हैं, और इनके गोलगप्पे का सबसे अच्छी बात यह है कि इनके गोलगप्पे का स्पेशल साइज़ है और ये गोलगप्पा अपना खुद तैयार करवाते हैं, तो अगर आप ये गोलगप्पा खाएंगे मेरा नहीं ख्याल है कि आप कहीं और से गोलगप्पे आपको पसंद आएंगे। ये जी फुल हाइजेनिक मसाला तैयार किया गया, ये सबसे अच्छी इसकी बात यह है कि हर चीज़ ये इमरान भाई इधर जो है वो अलग अलग तैयार करते हैं इसके लिए, ये गोलगप्पों में डालने वाला सारा इन्ग्रीडियंट्स है, और ये इसके अंदर रायता, ये इमली आलू बुखारे की चटनी है, और एक ये चटनी है, और एक ये 4 किस्म की चटनी है, अभी वो एक प्लेट तैयार करेंगे तो फिर आपको दिखाएंगे। जी ये इस वक्त खट्टा तैयार हो रहा है,
फुल हाइजेनिक खट्टा है जी, ये प्योर इमली का और आलू बुखारे का। और अभी इसमें नमक मिक्स किया गया है, हमारे बड़े प्यारे ये भाई हैं, इमरान भाई हैं। और ये देखें आपके सामने खट्टा तैयार हो गया, इसमें किसी भी किस्म की मिलावट नहीं है। इस वक्त ये खट्टे के अंदर नमक मिक्स कर रहे हैं, इससे पहले ये अभी क्या कहते हैं इमली भी मिक्स कर चुके हैं। और इमली मिक्स करने की इतनी भी साथ ही बैच है जी। अस्सलाम वालेकुम, गाइस मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मैंने जैसा कि आपसे पहले जिक्र किया कि मैं इन भाई साहब का जिक्र कर रहा था, इनका नाम इमरान है, अरसा मेरा ख्याल है 10-12 साल से मैं खुद इनको जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं इमरान भाई? मुझे ये सबसे पहले ये बताएं कि कितनी देर हो गई है इमरान भाई आपको ये गोलगप्पे लगाते हुए? अच्छा, तो इमरान भाई इतनी सफाई के साथ माशाल्लाह आप गोलगप्पे लगाते हैं, और ये जो आपने एक अलग तरीका देखा मतलब कि ढूंढा है प्रेजेंटेशन देने का, ये आपने कहाँ से सीखा? ये सर मैंने खुद ही बनाया था अपने आगे। अच्छा सर, आप तो कमाल हैं, मतलब कि आपने ज़बरदस्त एक आइडिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी सफाई के साथ आप ये बनाते हैं गोलगप्पे। मैं कह रहा हूँ कि जो भी ये खाएगा, मेरा नहीं ख्याल है कि दोबारा वो फैसलाबाद में कहीं और गोलगप्पे खाएगा, वो इमरान भाई के पास ही आएगा। तो मैं खुद पर्सनली ये रिकमेंड करता हूँ कि आप ज़रूर इमरान भाई के पास आए और आके इनसे गोलगप्पे खाएँ। सर वेलकम, थैंक यू सर। मैंने चेंज किया अपना, सिर्फ वेदर की वजह से हवा बड़ी तेज़ चल रही है, आंधी बड़ी तेज़ है, और लोकेशन का मैं आपको बता रहा था, हवा ने बताने नहीं दिया, बड़ी तेज़ हवा चल रही थी। लोकेशन अभी भी काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, पीछे आप देख ही रहे होंगे बैकग्राउंड में। तो ये गोलगप्पे जो सुंदर गोलगप्पे स्टॉल का नाम है, और ये फैसलाबाद के बहुत ही जाने पहचाने मतलब कि बड़ा जाना माना जो इलाका है सुरसा रोड, मेन सुरसा रोड पे नियर फैजाने में, आप किसी से भी पूछ सकते हैं सुंदर गोलगप्पों का। तो ये बड़े मशहूर गोलगप्पे हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन है आप एक दफ़ा ज़रूर आएँ और ज़रूर खाएँ। थैंक यू।